तय करती है भाजपा सरकार, मोदी की सरकार, कि हमने दलितों और अति पिछड़ों के लिए 4 करोड़ मकान बनवाए हैं। आज बताया जाए कि इतने झुग्गी झोपड़ी दिखाई दे रहा है, कहाँ आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिखाई दे रहा है? सरकार से मांग करने, क्या मांग करना चाहते हैं अम्बेडकर राष्ट्र के लिए? गरीबों लग के देख लीजिए, झोपड़ी है ऐसा ऐसा कि एकदम गरीब से गरीब कर दिया है। इतना दूर में मेडिकल बाबा थे जो गरीबी से गुजरे हैं, गुजर के आज वही मुस्कान पर सब चीज कर रहा है, आज वही दुनिया में बैठाया है और ओकरे दुनिया से निकाल पड़ा है अभी के युग में। वजह यही है कि हम लोग नीचे जात वाले हैं, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। नीचे जात कह के अपने आप को अपमानित नहीं कीजिए, क्योंकि यह पृथ्वी पर हर एक मनुष्य जो जन्म लिए हैं वो सभी का शरीर एक ही तरह का, एक दो आँख सबके पास है, एक नाक है, एक मुंह है और 32 दांत ही होता है सबके अंदर, आपको एक लीवर और 2 किडनी सबके अंदर होता है। नीचा जात अपने आप को क्यों समझ रहे हैं आप? अपने आप को वैसे प्रबल समाज का हिस्सेदार समझिए जो इस भारत की संस्कृति और संस्कार रहा है। किनसे आप मांग लेकर यहाँ आए? हम तो उन्हीं के द्वारा से आए हैं। आप किनसे ये जो आप मुद्दा लेकर आए हैं, ये किनसे मांग कर रहे हैं? किन सरकार से? किससे? मोदी सरकार से मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? मोदी से मांग रहे हैं। रोजगार की जगह आप अम्बेडकर राष्ट्र की स्थापना की मांग करेंगे? करेंगे जी। आप युवा हैं, देश जानना चाहेगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिरकार आप जिस उम्र में रोजगार खोजनी चाहिए थी, रोजगार ढूंढना चाहिए था, उस उम्र में आप अंबेडकर राष्ट्र की खोज में निकले हैं, तो क्या वजह है? वजह यही है कि हम लोग मौजूद हूँ राजधानी पटना के गर्दनी बाग में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं, युवा जो हैं बिहार के, वो खड़े हैं गर्दनी बाग के इस धरना स्थल पर। और क्या कुछ मांग है, हम इनसे जाने की प्रयास करते हैं, क्या मकसद है, किस मांग को लेकर सरकार तक पहुँचाने हैं अपनी आवाज़ों को? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस तरीके से दलित अति पिछड़ों के लिए संघर्ष किए, उनके उत्थान के लिए जितना योगदान है वो देश कभी नहीं भूल सकती है। बात है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस तरीके से संविधान को निर्माण किया, वो आज भाजपा और आरएसएस उसको नष्ट करने पर तुली हुई है। आज अति पिछड़ों और दलितों के देखा जाए कहती है भाजपा सरकार, मोदी की सरकार, कि हमने दलितों और अति पिछड़ों के लिए 4 करोड़ मकान बनवाए हैं। आज बताया जाए कि इतने झुग्गी झोपड़ी दिखाई दे रहा है, कहाँ आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिखाई दे रहा है, बताइए। अच्छा, ये जो जितने झुग्गी झोपड़ी को आप दिखा रहे हैं बगल में, ये तो सड़क के अतिक्रमण में है, मतलब कि अतिक्रमण करके वैसे लोग रह रहे हैं जिनको कि कहीं आवास नहीं आवंटित हुआ है, वो सारे लोग यहाँ पर सड़क के किनारे अवैध रूप से कहे तो वो अपना घर बना के या फिर आसियाना बना कर रह रहे हैं। देखिए, सरकार जिस तरीके से गरीब दलित अति पिछड़ों का हक छीनने का काम किया है, ये बिल्कुल अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता, अम्बेडकरवादी समर्थक बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हम यही मांग करते हैं कि ये देश अम्बेडकर राष्ट्र हो, क्योंकि बाबा साहब ने देश का निर्माण करने के लिए बहुत योगदान दिया है और इस योगदान को इस देश की जनता नहीं भूल सकती है। सर्व समाज का यही मांग है कि ये देश अम्बेडकर राष्ट्र हो। अम्बेडकर राष्ट्र बनने से, अम्बेडकर राष्ट्र की परिकल्पना आप कर रहे हैं, बिहार के युवा कर रहे हैं, वैसे वो सभी समुदाय जो अम्बेडकर की सोच से प्रभावित हैं, अपने आप को अम्बेडकर की सोच का प्रेरणा मानते हैं, वो सभी लोग अम्बेडकर राष्ट्र की मांग करते हैं आपके अनुसार? ठीक है, वो मांग करें, लेकिन अम्बेडकर राष्ट्र की स्थापना कैसे होगा? सरकार, कौन सी सरकार आपको लगता है कि ये काम करेगी? देखिए, पूरे जनता को इस तरीके से संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होकर गांव-गांव तक हम जाएंगे और सबको संगठित करेंगे, और बाबा साहब जो काम किए हैं, संविधान में लिखे हैं, उन सबको प्रचार प्रसार करेंगे और समझाएंगे, तभी जाकर हम लोग का आवाज़ बुलंद होगा और सरकार तक हमारी आवाज़ जाएगी। आप क्या हैं इस संगठन में? हम अम्बेडकर राष्ट्र सेना के अध्यक्ष हैं और पूरे इसको हम कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। तो यहाँ पर अम्बेडकर राष्ट्र सेना के अध्यक्ष अमित कुमार, क्या कुछ कहें आप, सुन लिए? अब और भी लोगों से हम जाने के प्रयास करते हैं
कि यह जो अंबेडकर राष्ट्र की परिकल्पना है कहां तक उचित लगता है और कहां तक यह संभव हो पाएगा? अंबेडकर राष्ट्र की जो परिकल्पना है, लोग परिकल्पना कर रहे हैं, आपके बंधु जो हैं, साथी जो हैं, परिकल्पना कर रहे हैं अंबेडकर राष्ट्र की, तो यह कहां तक संभव होगा? क्या लगता है कि सरकार इस चीज को संज्ञान में लेकर आप लोगों का अंबेडकर राष्ट्र की परिकल्पना को फलीभूत बनाएगी? यह जो अंबेडकर राष्ट्र की परिकल्पना हो रही है, लोगों के मन में विचार आ रहे हैं कि अंबेडकर राष्ट्र बनना चाहिए। अंबेडकर के सोच से जो है, जो भी लोग प्रभावित हैं, जो भी लोग इंस्पायर हैं, प्रेरणा मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि अंबेडकर राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि कौन सी सरकार जो है बाबा साहब के सपनों को साकार करेगी या आप लोगों के सपनों को साकार करेगी? अब कौन सा सरकार बता सकते हैं? किन से आप मांग लेकर यहाँ आए? हम तो उन्हीं के द्वारा से आए हैं। आप किन से ये जो आप मुद्दा लेकर आए हैं, ये किन से मांग कर रहे हैं? किन सरकार से, किससे? मोदी सरकार से मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? मोदी से मांग रहे हैं। रोजगार की जगह आप अंबेडकर राष्ट्र की स्थापना की मांग करेंगे? करेंगे जी। आप युवा हैं, देश जानना चाहेगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिरकार आप जिस उम्र में रोजगार खोजनी चाहिए थी, रोजगार ढूंढना चाहिए था, उस उम्र में आप अंबेडकर राष्ट्र की खोज में निकले हैं, तो क्या वजह है? वजह यही है कि हम लोग नीचे जात वाला हैं, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। नीचे जात करके अपने आप को अपमानित नहीं कीजिए, क्योंकि यह पृथ्वी पर हर एक मनुष्य जो जन्म लिए हैं, वो सभी का शरीर एक ही तरह का, एक दो आंख सबके पास है, एक नाक है, एक मुंह है और 32 दांत ही होता है सबके अंदर, आपको एक लीवर और दो किडनी सबके अंदर होता है। तो मालूम है, हंसी आ रहा है। बोलने वाला था। अरे नीचा जात अपने आप को क्यों समझ रहे हैं आप? अपने आप को वैसे प्रबल समाज का हिस्सेदार समझिए जो इस भारत की संस्कृति और संस्कार रहा है। आप अगर इस मांग को लेकर आए हैं, युवा अगर इस मांग को लेकर आए हैं, तो क्या युवा देश जो है वह जानना चाहेगा कि हमारे देश में जो है किस तरह के युवा पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर कैसे उतर रहे हैं आंदोलन करने के लिए? आज वही क्रांतिकारी बिहार का धरती जो है कहीं ना कहीं क्रांति भी राज भी पैदा कर रहा है, यह लोग जाने कैसे जानेंगे? बताओ बाबू, सरकार से मांग करने, क्या मांग करना चाहते हैं अम्बेडकर राष्ट्र के लिए? गरीबों लोग के देख लीजिए, झोपड़ी है ऐसा ऐसा कि एकदम गरीब से गरीब कर दिया है। इतना दूर में मेडिकल बाबा थे जो गरीबी से गुजरे हैं, गुजर के आज वही मुस्कान पर सब चीज कर रहा है, आज वही दुनिया में बैठाया है और ओकरे दुनिया से निकाल पड़ा है अभी के युग में। आप कहाँ से हैं? हम पटना से हैं, बिहार के। बिहार से हैं? अपने आप को, अपने आप पर गर्व है कि हम बिहार से हैं? हाँ, बिहार से हैं। अच्छा, तो कहाँ क्या करते हैं अभी? अभी हम कुछ नहीं जुगाड़ है मेरे पास, कुछ नहीं है। नहीं है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। बिहार में बेरोजगारी है या फिर पूरे भारत में? पूरा भारत में है। आप भी बेरोजगार हैं? हाँ, रोजगार है। तो सरकार से रोजगार की मांग नहीं करते हैं? मांग कैसे करें, देगा तब ना मांग करेंगे, नहीं देगा तो कहाँ से करेंगे? सिर्फ क्या कह रहे हैं, देगा तब ना मांग होगा। अब देवे नहीं करेगा, उसके सामने भी गिर गिराते रहो। अरे वोट के लिए नेताजी गिरगिराते हैं ना आपके पास? गिरगिराता तो फिर पहला गिरगिराता किस लिए कि हमको बना दे, उसके बाद कटोरा पकड़ो। मतलब लोगों का कहना है कि हमें अंबेडकर राष्ट्र चाहिए, अंबेडकर राष्ट्र की परिकल्पना जो है इन सभी बिहार के युवा और वैसे लोग हैं जो अंबेडकर की सोच को अपना प्रेरणा मानते हैं, और प्रेरणा इसलिए मानते हैं क्योंकि अंबेडकर के सिद्धांत से चलने वाले ये लोग हैं और यही परिकल्पना लेकर आज चले हैं, संघर्ष लेकर चले हैं और संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर भी इस गर्दनी बाग के धरनास्थल पर। तो देखिए आपका क्या राय लगता है, आपको जो प्रतिक्रिया देना है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि आपको क्या लगता है कि अंबेडकर राष्ट्र की मांग जो है इन लोगों की, बिहार की युवाओं की, यह सही है अथवा गलत, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।